एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रतापनगर इलाके में गारमेंट दुकान में तोड़फोड़, एक्टिवा चुराने वाला युवक पकड़ा गया। उमरेड डिपो के 10 कर्मचारी बर्खास्त। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। प्रतापनगर थाने के तहत मंगलमूर्ति चौक स्थित गारमेंट दुकान में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। आरोपियों में गिरीश अग्रवाल और उसके दो साथी शामिल है। फरियादी पंकज बहादुले की गोकुल उद्धव अपार्टमेंट में गेक्स्टा नामक कपड़ों की दुकान है। गुरुवार शाम 4:30 पर आरोपी अग्रवाल उनकी दुकान में आकर मैनेजर एहफाज खान को कहने लगा कि उनकी दुकान के बोल्ट के कारण उसकी दुकान नहीं दिखती। गालियां देकर मारपीट शुरू कर दी, स्टैचू भी तोड़ दिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। प्रतापनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अगली खबर, यशोधरा नगर इलाके से एक्टिवा चुराने वाले आरोपी अशोक साहू राजानंद गांव छग निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रमेश गोंडा ने बिना की मंगलवारी निवासी ठेकेदार है। रमेश गुरुवार को परिचित भतीजी मंगेश की एक्टिवा लेकर निर्माण कार्य स्थल पर गए थे। उन्होंने एक्टिवा की चाबी निकाले बगैर मकान का काम देखने लगी। इस दौरान आरोपी अशोक साहू एक्टिवा चुरा कर भाग गया। रमेश गोंडा ने यशोधरा नगर थाने में एक्टिवा चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर आरोपी को धर दबोचा। अगली खबर, एसटी प्रशासन ने गुरुवार को उमरेड डिपो के 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसमें 5 चालक, 4 वाहक व 1 यांत्रिक विभाग का कर्मचारी शामिल है। गुरुवार एसटी प्रशासन ने नागपुर मंडल अंतर्गत कुल 62 बसों का परिचालन किया और 11,169 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। प्रशासन के मुताबिक गणेशपेट से 26, इमामवाड़ा से 7, घाट रोड से 18, उमरेड से 3, सावनेर से 8, वर्धमान नगर से 6, रामटेक से 3 व काटोल से 1 बसों का परिचालन किया गया। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।